हाय व्यूअर, मैं हूँ सुनील पालीवाल और मुझे स्टेराइल फैसिलिटी में काम करने का 15 वर्षों का अनुभव है। आज हम बात करने वाले हैं फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग कैसे करें, फिल्टर इंटीग्रिटी में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं और इंटीग्रिटी सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है। आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्टर इंटीग्रिटी सक्सेसफुल होने के लिए हमें नीचे दिए हुए पॉइंट को समझना जरूरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिल्टर इंटीग्रिटी सक्सेसफुल होने के लिए। 1. फिल्टर डिजाइन, 2. फिल्टर सरफेस एरिया, 3. वेटिंग मीडियम क्वांटिटी, 4. वेटिंग मीडियम कॉन्टैक्ट टाइम विद फिल्टर, 5. प्रेशर ऑन विच द वेटिंग मीडियम इज इन कॉन्टैक्ट विद फिल्टर, 6. वेटिंग मीडियम टेम्परेचर। अब समझते हैं फिल्टर डिजाइन के बारे में। फिल्टर जब मैन्युफैक्चर होता है तब उसमें सॉल्यूशन या वाटर को फिल्टर करने के लिए पॉलीविनाइलाइडन फ्लोराइड PVDF मटेरियल की लेयर्स यूज की जाती है, जिसको कि पॉलीप्रोपिलीन की इनर और आउटर कवर से बाइंड किया जाता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, फिल्टर में और भी कॉम्पोनेंट होते हैं जैसे कि वेंट वैल्व, ड्रेन वैल्व ETC। जैसा कि हम फिल्टर डिजाइन से देख पा रहे हैं, फिल्टर के अंदर बहुत ही कॉम्पैक्ट पॉलीविनाइलाइडन फ्लोराइड PVDF की लेयर्स होती है जो आपस में बाइंड होती है। तो जब हम फिल्टर को देखते हैं तब हमें वो सिंगल पेपर की तरह दिखता है। अब इस डिजाइन से हमें ये समझना है कि जब हम वेटिंग लिक्विड को फिल्टर से पास करते हैं तब फिल्टर की एंटायर लेयर का वेट होना जरूरी है, जो कि डिपेंड करता है प्रॉपर वेंटिंग एंड यूसेज ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेयर्स प्रॉपर वेट नहीं होगी तो फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग में एरर्स आते हैं या BPT फेल होती है, जो कि एडिक्वेट रिजल्ट नहीं है। आप स्लाइड में देख रहे हैं कि फिल्टर का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमें फिल्टर को बाहर से देखने में समझ नहीं आता है। जैसा कि स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि फिल्टर का सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है, इसीलिए फिल्टर को अच्छी तरह से वेटिंग करने के लिए वेटिंग लिक्विड को फिल्टर में पास प्रॉपरली होना चाहिए। इसके लिए जब हम फिल्टर से वेटिंग लिक्विड पास करते हैं उस समय प्रॉपर वेंटिंग करना जरूरी है। वेटिंग मीडियम पास करते समय अच्छी तरह से 2 से 3 बार वेंटिंग करना चाहिए। साथ ही साथ वेटिंग मीडियम को प्रॉपर प्रेशर से पास करना चाहिए और प्रेशर को मेंटेन भी करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा फिल्टर प्रॉपर से वेट होगा और फिल्टर इंटीग्रिटी पास हो जाएगी। वेटिंग मीडियम की क्वांटिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है, जैसा कि पहले की स्लाइड से समझा है कि फिल्टर का डिजाइन एंड सरफेस एरिया कैसे होता है। वेटिंग मीडियम का प्रॉपर क्वांटिटी में पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी फिल्टर की वेटिंग मीडियम की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू फिल्टर होती है, जो कि फिल्टर मैन्युफैक्चरर फिल्टर के सर्टिफिकेट में हमें प्रोवाइड करता है। स्लाइड में फिल्टर के सर्फेस एरिया के अकॉर्डिंग वेटिंग मीडियम का क्वांटिटी दिया है। फिर भी अगर फिल्टर इंटीग्रिटी के दौरान आपको एरर्स आते हैं तो सबसे पहले वेटिंग मीडियम का क्वांटिटी इंक्रीज करके इंटीग्रिटी ट्राई करनी चाहिए। वेटिंग मीडियम का कॉन्टैक्ट टाइम डिपेंड करता है फिल्टर के साइज एंड सरफेस एरिया पर। मोर द फिल्टर साइज मोर द कॉन्टैक्ट टाइम। इंक्रीज कॉन्टैक्ट टाइम विल डेफिनेटली हेल्प टू प्रॉपर वेटिंग ऑफ फिल्टर एंड अचीविंग द अल्टीमेट गोल। ऑनलाइन फिल्टर इंटीग्रिटी के केस में फिल्टर से वेटिंग मीडियम को वेंटिंग एंड पास हो जाने के बाद आउटलेट वाल्व को बंद करके वेटिंग मीडियम को प्रेशर मेंटेन करके होल्ड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा फिल्टर प्रॉपरली वेट हो जाता है और फिल्टर इंटीग्रिटी पास हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 इंच का फिल्टर यूज करते हैं तब इस केस में वेटिंग मीडियम को 20 से 30 मिनट तक प्रेशराइज्ड कंडीशन में होल्ड करना चाहिए एंड उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 30 लीटर वेटिंग मीडियम को पास करके फिल्टर इंटीग्रिटी लेना चाहिए। डेफिनेटली फिल्टर इंटीग्रिटी पास होगी। प्रेशर जिस पर की वेटिंग मीडियम कॉन्टैक्ट में रहता है फिल्टर के। प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग करते हैं। कंसिडरिंग फिल्टर डिजाइन एंड फिल्टर सरफेस एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम एक कॉन्स्टेंट प्रेशर अप्लाई करें फिल्टर पर। आइडियली फॉर 10 इंच फिल्टर की इंटीग्रिटी जब हम प्रोडक्ट से करते हैं तो ये रिकमेंडेड है कि हम प्रेशर को इन बिटवीन 2.8 to 3.0 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर 2 रखें। इनिशियली वेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम वेंट वाल्व फॉर रिमूवल ऑफ एनी इंट्रैप्ड एयर। होल्ड द सॉल्यूशन फॉर अप्रॉक्स 20 to 30 मिनट एंड परफॉर्म इंटीग्रिटी टेस्टिंग। फिल्टर इंटीग्रिटी पास हो जाएगी। वेटिंग मीडियम टेम्परेचर जैसे कि WFI प्रोडक्ट सॉल्यूशन IPA और WFI मिक्सचर।
वेटिंग मीडियम का टेम्परेचर बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है सक्सेसफुल फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट के लिए। वेटिंग मीडियम का हायर टेम्परेचर होने से हमें फॉल्स रिजल्ट मिलता है। इसीलिए आइडियली फिल्टर वेटिंग हमें वेटिंग मीडियम के रूम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होने पर ही करना चाहिए। हालांकि कुछ वेटिंग मीडियम जैसे कि सोयाबीन सेसन डाइजेस्टिव मीडिया का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल इंटेग्रिटी रिजल्ट। डियर व्यूअर्स, मुझे आशा है आपके फिल्टर इंटीग्रिटी को पास करने के कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। यदि इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो रहेगा फिल्टर के प्रकार और उनके उपयोग।